आई एवरी वन वेलकम टू यू जी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय अदर ट्वेंटी फोर सेवन सो एक और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है हरियाणा यूनिवर्सिटी का एंड आई बिलीव कि जितने भी स्टूडेंट्स डेली यूनिवर्सिटी का सपना देख रहे हैं वो डेली के आस पास वाली जगहों में जाना कंसिडर कर सकते हैं राइट सो माई डी स्टूडेंट प्लीज़ डू श्योर दिस सेशन एज मच एज पॉसिबल ताकि आज मैं आप लोग को बता सकूँ ऑल टोटल अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इंक्लूडिंग द रिव्यूज एलिजिबिलिटी प्लेसमेंट एंड लिस्ट ऑफ कोर्सेज एंड एडमिशन

पांच यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हरियाणा में हैं और 214 कॉलेजेस के अंडर आते हैं यानी कि इसीलिए देर आर चांसेस कि आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो वो स्टूडेंट जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन करना चाह रहे हैं राइट right. और वो दिल्ली के आसपास ही रहना चाहते हैं और वो अपनी सिविल uh, सर्विसेज की प्रपेशन करना चाहते हैं वहाँ पर रह करके एक इन्वायरमेंट चाह रहे हैं कि उनको आसपास दिल्ली का कोई एरिया मिल जाए सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू उसके अलावा यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी देर आर वन एटी सेवन कॉलेजेस ऑफ जनरल एजुकेशन ऑफ विच फिफ्टी थ्री आर एक्सक्यूज एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन सो दिस इज समथिंग विच इज़ रियली वेरी गुड फॉर दी वुमेन लाइक अगर आप लड़की हो और आप चाह रही हो कि आपको एडमिशन मिल जाए बट आपका मार्क्स कम है तो आप इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो इट विल हेल्प यू अ लॉट और अगर आप डेली के आसपास रहना चाहते हो कुछ अच्छा करना चाहते हो अपनी लाइफ में आपको भी पता है कि जब आप किसी ऐसी जगह पर जाते हो जो ऐसी जगह है जो वेल नोन है जहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल सकता है सो बिल्कुल आप वहाँ पर जाइए बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की कि यह कब स्टैब्लिश हुआ तो आप लोग को बताती चलो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा आपका स्टैब्लिश हुआ था टू में राइट इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूँ इट इज वन ऑफ द दिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश बाई एम एच आर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इलेवेंथ फाइव ईयर प्लान ऑफ टू थाउजन पिछली बार हम लोगों ने डिस्कशन किया था आई थिंक गुजरात गुजरात का right? so, राइट सो के बारे में भी हमने बात करी थी वो भी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है सिमिलरली ये भी आपकी जो यूनिवर्सिटी है ये बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है यू कैन सी टू थाउजेंड नाइन मेंस्टैब्लिशमेंट हुआ है एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सो यहाँ पर अगर आप ये देख रहे हो ये चाह रखते हो कि आपको थोड़ा सा फी कम मिले और आप पढ़ाई अच्छे से कर सको तो उसके लिए आपकी ये यूनिवर्सिटी अपने आप में सबसे बेस्ट है राइट right? अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम आके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है कहाँ तो मैं इसका मेन कैंपस के बारे में या परमानेंट कैंपस के बारे में अगर बात करूं तो इसका मेन कैंपस जो है वो जंत पाली विलेज़ में है जो कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में पड़ता है राइट right? इसके अलावा मैं बताऊं अगर इस कैंपस के बारे में तो 488 एकर्स में ये कैंपस पूरा का पूरा बना हुआ है राइट right? अगर मैं बात करूं आगे कि क्या यहां पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है ये आपको एडमिशन्स uh, uh, देगी सी के थ्रू तो बिल्कुल हाँ दिस एन आंसर यस कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा आपको एडमिशन सी के थ्रू दे रही है बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि इसके थ्रू आप कर सकते हो तो वो कोर्सेस की लिस्ट अभी मैं आप लोगों को शो करूंगी कि वो कौन कौन से कोर्सेस हैं इन बिटवीन अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एल एम एडमिशन ट्वेंटीड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ सी यू आपको भी बताया सी यू सी इज नाउ नोन एज सी यू ठीक है C -C -E -E सेम ही है इसी के थ्रू आपका पूरा का पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है यहाँ पर एंटर करने का वो हो जाएगा एक बच्चा पूछ रहा था मेरे से कि मैम क्या हम किसी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की अगर आप बात करोगे तो हाँ क्या कहता है ये जनरली जो बीटेक एडमिशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में वो जेई मेंस के थ्रू होते हैं फॉर टेकिंग एमबीए एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इट एज मस्ट एंड शुड

करूं, तो बच्चे अक्सर मेरे से क्वेश्चन पूछते हुए यहां पर हैं कि है। फिर अगर हम बात करें कि के बारे में कुछ और इसको क्या मिला हुआ, है ग्रेड, सो इसको ए ग्रेड मिला हुआ है आपको बताती चलूं। ये यूनिवर्सिटी का जो क्रेडिशन है वो ए ग्रेड के तौर पर हुआ है और कब हुआ था ये इट वॉज डन इन मार्च 2017. थाउजेंड एंड सेवेंटीन ये यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से फंडिंग पर है यानी कि आप जो यू जी सी की बात करते हो उसको यहाँ से फंड ग्रांटेड हैं इसका जो परमानेंट कैंपस है उसके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर सक कर चुकी हूँ कि वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हरियाणा के ठीक है और इस्पेशली अगर आप एक कोने के बारे में बात करो तो जयतपाली विलेज पड़ता है सो so, स्टूडेंट्स बहुत दूर नहीं हों आप डेली के आस पास ही हो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो और आप के लिए बहुत

तो अगर मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊं सबसे पहले कि बेसिकली uh, ये जो सी यू टी है ये मैं ओपन करना चाहूंगी यस दिस वन I told you, अगर आप लोगों को चेक करना है कि किसी यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो या नहीं हो आप, तो आप जाए यूनिवर्सिटी सर्च करें जिसके लिए आप जाना चाहते हैं अगर आपको नहीं पता कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है तो प्लीज आप इस चीज को कंसिडर करें कि आप उन्हीं यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं जो कि आपने सी यू टी का फॉर्म फिल करते टाइम भरी थी अभी कई बार कलेक्शन विंडो ओपन हुआ था उसमें आपने जो है चेंजेस किए थे उसके अगर, अंदर आपने कर दी है तो आप अगर आपको लग रहा है कि आप कोई और यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हो सो प्लीज गो एंड ऐड इट गॉट इट अब देखिये जरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप देखिए बी वर्क का कोर्स प्रोवाइड कर रहा है आपको ठीक है मैंने यहां पर सर्च मारा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा बी कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ दो दो टेस्ट दे दिया मेरे मेरे को बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है ठीक है उन्होंने दो दो टेस्ट दे दिए सिर्फ लाइक खाली इंग्लिश दे दिया उन्होंने और दो डोमेन दे दिए कभी कभी खाली इंग्लिश और जी दे दिया खाली जी के साथ दो डोमेन दे करके चले आए तो आप देखिए यहाँ पर अगर आप सिर्फ जनरल टेस्ट भी आपने दे रखा हुआ है तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं टेन प्लस आप लोग को चाहिए यानी कि आपका ट्वेल्थ पास आउट होना चाहिए विद फिफ्टी मार्क्स और अगर आप एस सी कैटेगरी या ओबीसी से हो या फिर पीडब्ल्यू डी से हो तो आपको समझना पड़ेगा कि 45 परसेंट मार्क्स आपको होना ही होना चाहिए ठीक है आगे मैं बात करूं अगर दूसरी यहाँ पर तो बी वॉक का एक और कोर्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बी वॉक इन बायोमेडिकल साइंसिस इसमें आपको दो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी पहला जनरल टेस्ट तो चाहिए ही चाहिए इसके अलावा अगर आपके पास बायोलॉजी है तो आप यहाँ पर जा सकते हो टेन प्लस टू आपका साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए और बायोलॉजी होनी चाहिए यानी कि आपके पास पी भी होना चाहिए और आपका जो मार्क्स है वो फिफ्टी होना चाहिए और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो पांच का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा मतलब फोर्टी अगर आपके मार्क्स हैं तो

नो ही साइड से इसके लिए जा सकते हो अगेन जो रिजर्व कैटेगरी है पांच परसेंट का रिलैक्सेशन यहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है जो आप देख सकते हो राइट ठीक है अब नीचे आए हम अगर तो हम एक और कोर्स देखते हैं यहां पर बी टेक जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं जेई मेस के थ्रू नहीं हो पाया है वो सीयूईटी के थ्रू भी कर सकते हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका यहाँ पर अवेलेबल है राइट एपेक्स यूनिवर्सिटी में भी आप जा सकते हो इसके लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका आपका डोमेन होना ही चाहिए अगर आपने इंजीनियरिंग के लिए जाना है तो आपके पास मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री इन डोमेन के आपने सब्जेक्ट दिए होने चाहिए अगर नहीं दिए हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं लेकिन अगर आपने दिए हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको कुछ चीजें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं एडमिशन टू फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी शैल बी ओपन टू द स्टूडेंट्स हु हैव स्टैंडर्ड बारहवीं पास होंगे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बारहवीं पास का एडमिशन होगा ठीक है ना और आपको बोला गया फोर्टी फाइव मार्क्स होंगे तो भी चल जाएगा बीटेक के लिए फोर्टी चल जाएगा इनको ओके इसके बाद आपको बोला गया द मैटर ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट शैल बी पुट अप टू द इक्वल कमेटी ऑफ फॉर इट्स कंसिडरेशन एंड डिसीजन ऑफ द इक्वलेंस कमेटी यानी कि अगर ट्वेल्थ के बराबर भी अगर आपने कोई और कोर्स किया हुआ है तो डेफिनेटली आप उसके लिए भी जा सकते हैं राइट right? ट्वेल्थ में आपके पास सब्जेक्ट फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट इन्होंने बोल दिया है और इसके अलावा आपका केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस राइट बायोलॉजी इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होगा तो चल जाएगा लेकिन फिजिक्स और मैथ्स को इन्होंने कंपलसरी किया हुआ है फॉर बीटेक कोर्सेज ओके okay, फिर यहाँ पे बोला गया है प्रोवाइडेड द मिनिमम मिनिमम मार्क्स फॉर द पर्पज ऑफ एलिजिबिलिटी शैल बी फोर्टी परसेंट इन द एग्रीगेट इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड इन केस ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द एस सी एस टी यानी कि पाँच परसेंट का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे भी मिल जा रहा है अगर आप एस सी एस टी कैटगरी से हो तो आपको चालीस परसेंट में ही ले लिया जाएगा जनरल कैटेगरी में फोर्टी फाइव परसेंट भी आपका चल जाएगा ठीक है और यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई है द स्टूडेंट शैल हैव स्टडीड इंड पास्ट इंग्लिश एज वन ऑफ़ द सब्जेक्ट्स यानी कि आपके जो जो सब्जेक्ट्स हैं जो फाइव फाइव कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उसमें से इंग्लिश जरूर आपके पास होना चाहिए ट्वेल्थ में यानी कि पी सी जो भी है आपका फिजिक्स मैथ्स के अलावा आपने जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो तो आपने देने ही देने हैं उसके अलावा आपके पास इंग्लिश होना चाहिए ट्वेल्थ में फिर बी का एक और कोर्स है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जिसमें आपका डोमेन स्पेसिफिक सी के थ्रू आपने मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री दिया होना चाहिए ठीक है समझ में आ गया आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरी वन गाइड इफ इफ देर इज एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन या फिर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो किसी तरह की कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो डेफिनेटली आप मेरे से यहां पर पूछ सकते हो ठीक है यहां पर सेम चीज यहां पर वही चीज बोली गई है आपको अगर आप देखो तो अगर आप बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अगर एडमिशन लेना है तो आपके 45 परसेंट मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी से साथ ही साथ में अगर आप एस सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका फोर्टी भी चल जाएगा और आपका ट्वेल्थ होना चाहिए अगर आपका इक्वल्स कोई आपने दिया हुआ है तो भी वो चल जाएगा इसके अलावा कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स अगेन बोला गया है केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस

जो पहले आपको मेंशन किया गया था दिस वन कोर्स राइट बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सो सेम चीज है आपकी लेकिन आपको यहाँ पर बोला गया है मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको देना ही देना है राइट right? आप देखो अगर आप बीटेक के किसी भी कोर्स के लिए जा रहे हो तो आपके पास मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री डोमेन स्पेसिफिक में होना चाहिए यानी कि आपने में Physics, आपने में मैथमेटिक्स फिजिक्स दिया होना चाहिए राइट right? और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इन्होंने सेम ही रखा हुआ है बीएससी की बात करें तो बी एस साइकोलॉजी में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यहां पर इन्होंने बोला है कि आपके पास ट्वेल्थ होना चाहिए क्लास ट्वेल्थ आपने पास आउट किया होना चाहिए फिफ्टी परसेंट मार्क्स से अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपका फोर्टी में हो जाएगा आपको रिलेक्सेशन मिल जाएगा आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू

ट टू रिकग्गनाइज बोर्ड फ्रॉम इंडिया सी बी एस ई हो गया यूपी बोर्ड हो गया हरियाणा बोर्ड हो गया ठीक है कोई स्पेसिफिक बोर्ड होना चाहिए फिफ्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए रिजर्व uh, कैटेगरी के लिए इन्होंने यहाँ पर फाइव परसेंट का रिलैक्सेशन अगेन दिया हुआ है इंटीग्रेटेड गोर्स ये मैथमेटिक्स में भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको आप सोचो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आप लोगों के पास देखिए आप अगर आपके पास सिर्फ एक डोमेन भी है लाइक अगर आपने खाली केमिस्ट्री दिया हुआ है खाली मैथ्स भी दिया गया है तो भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा अगर आपके पास सिर्फ एक डोमेन का सब्जेक्ट आप देकर के आए हो सी में तो भी आपको एडमिशन दे रही है टेन प्लस टू आपको साइंस स्ट्रीम में चाहिए यानी कि ट्वेल्थ आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए ठीक है और फिर यहाँ पे दिया गया है विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री होना चाहिए फिफ्टी परसेंट आपके ट्वेल्थ में मार्क्स होने चाहिए और पांच परसेंट का रिलेक्शन आपको मिल जाएगा अगर आप एक कैटेगरी से रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पर आपको फिजिक्स का भी मिल जा रहा है जिसमें आपके पास टेन प्लस टू होना चाहिए ठीक है वो भी रेकग्नाइज बोर्ड से इसके अलावा आपका फिजिक्स एज एक सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए और मैथमेटिक्स भी होना चाहिए राइट इसके अलावा इन्होंने बोला फिफ्टी परसेंट मार्क्स चल जाएंगे फोर्टी फाइव परसेंट उन लोगों के लिए होगा जिनको रिलैक्सेशन दिया गया है राइट अब मैं बात करूं कि मैम क्या हम लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दें तो बेटा ये पब्लिक नोटिस है

के लिए यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्शन दिया हुआ है द पेमेंट पोर्टल शैल रिमेन ओपन फॉर ट्वेंटी सितंबर आपकी आखिरी डेट होगी बेटा आप याद रखिएगा इसको जरूरी है आप ये ले जानना देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मिस कर जा रहे हैं इसको उन्हें पता ही नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कब ओपन हो रहा है और कब एंड हो रहा है अभी मैं अगला सेशन आपका आसाम यूनिवर्सिटी के ऊपर लूंगी अगर आप में से कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आसाम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है उसके लिए भी तैयार रहिएगा सो यहाँ पर आप देखो खुद सोचो आप बी आर का ओपन सी एस ए एस के अलावा मैंने देखा ज़्यादातर बच्चे डेली यूनिवर्सिटी की तरफ भाग रहे हैं सी एस एस पोर्टल की तरफ भाग रहे हैं सी यू ई टी के थ्रू जो आपका रजिस्ट्रेशन है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का बहुत सारी का स्टार्ट हो चुका है कर्नाटका का स्टार्ट हो चुका है राइट एज आई टोल यू बी आर अम्बेडकर का स्टार्ट हो चुका है गुजरात का स्टार्ट हो चुका है इसके अलावा अगर आप देखो तो आ, आपका जे ने भी नोटिफिकेशन आप लोग को दे दिया था अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन जल्द ही वो भी स्टार्ट कर देगा राइट इसके अलावा आपका कर्नाटका हो गया हेमवती आपका हो गया ठीक है और आसाम हो गया आपका तमिलनाडु हो गया आपका इनके भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं आप देखिए हर एक चीज की आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ सेप्टेम्बर है मेरिट लिस्ट ये अपनी वेबसाइट पर आपको थर्टी को दे देंगे थर्टी सेप्टेम्बर को पहली काउंसलिंग इनकी स्टार्ट हो जाएगी चार अक्टूबर को आप फर्स्ट काउंसलिंग ठीक है डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज लिस्ट आपको चार अक्टूबर को मिल जाएगी ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस फॉर फर्स्ट राउंड एडमिशन हो गया दस तारीख तो को, को दिखाई देंगी यहाँ पर सेकेंड काउंसलिंग की भी दे कि वो ग्यारह अक्टूबर से होगी इसका फी का पेमेंट का डेट ग्यारह से तेरह तारीख तक दिया हुआ है फिर अगर कोई सीट्स वगैरह बचती हैं तो इन्फॉर्म यू वैसे चांसेस बहुत कम हो इन्होंने क्लासेस को कमेंस करने का यानी कि स्टार्ट करने का डेट आपको बता दिया है फोर्टीन ऑफ अक्टूबर 14 अक्टूबर से इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी राइट ओपन फिजिकल काउंसलिंग फॉर यूजी काउंसिलेटेड प्रोग्राम में बोला ना अगर लास्ट में वेकेंट सीट्स बचती हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के लिए तो डेफिनेटली उसके लिए आप लोग को कॉल कर देंगे और वेकेंट सीट्स के लिए आपका जो फिड ओपन होगा इनका जो पोर्टल है वो सेवनटीन ऑफ अक्टूबर से होगा सो so ये पूरा इन्फॉर्मेशन है मैं कोशिश करूंगी कि मैं ये पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर दू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओनली ठीक है डन गाइज आई होप इतना क्लैरिटी आप लोग को मिल गया होगा इज देयर एनी कंफ्यूजन एनी डाउट इफ यू पीपल हैव इन योर माइंड प्लीज डू आस्कट आस्क आई एम हियर टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग प्लीज डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिस्कशन ग्रेट 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 सुपर ऑसम आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सभी लोगों और कोई क्वेश्चन अगर आप लोग का है तो आप प्लीज मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लें डेफिनेटली आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग मैम मैंने बी एच यू का पोर्टल भर रहा था पर मेरे स्पोर्ट सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है मैंने सी यू टी के रजिस्ट्रेशन टाइम पर नो no कर दिया था क्योंकि मुझे लगा तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अभी अगर आप देखोगे तो करेक्शन विंडो इज ओपन आप चाहे तो आप उसमें जा करके चेक कर सकते हैं यू विल गेट टू नो कि आपका वहां पर स्पोर्ट्स वाला जो जो भी आ, आपका सर्टिफिकेट है ना वो एड हो पा रहा है और आप वापस जा करके ऐड कर दो हो जाएगा एक बार रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आपके सी यू के अगर हो गया ना तो वहां पर ईजिली हो जाएगा उसके लिए टेंशन मत लो अब देखो अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के रिव्यूज कैसे हैं या फिर इसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसे हैं तो वो भी आप जाकर के चेक कर सकते करते हो, ये देखें अगर कॉलेज और फीस के बारे में भी आपको पता चल जाएगा लेकिन पहले मैं रिव्यूज के बारे में डिस्कशन कर देती हूं देखिए ऑल टोटल फोर रेटिंग है, अपने आप में बहुत ज्यादा है जो ठीक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रेटिंग्स आउट ऑफ फाइव फोर हो रही है दैट इज रियली वेरी गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड इनका थ्री पॉइंट जीरो रेटिंग किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर में फोर पॉइंट फोर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा होगा ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर चाहें तो वीडियो भी हम आपके लिए चला देंगे देन फैकल्टी एंड कोर्स करिकुलम फोर पॉइंट जीरो आपको मिला हुआ है यानी कि फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं आपका जो कोर्सेज वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाते हैं क्लासेस प्रोवाइड होती हैं वो बहुत ही परफेक्ट होती हैं सोशल लाइफ आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी मिल जाएगी फोर पॉइंट वन उसकी भी आपको दी गई है रेटिंग वैल्यू फॉर मनी फोर थी दिया गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ प्लेसमेंट को छोड़ के प्लेसमेंट का रिकॉर्ड हो सकता है बहुत अच्छा नाला हो लेकिन बाकी सारी चीजों में इसको बहुत अच्छी रेटिंग मिली है याने you can say that कि यू कैन से अपने आप में एक बड़ा टैग है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में पढ़ने का भी राइट right? इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके प्लेसमेंट्स की तो प्लेसमेंट्स भी एक बार ही चेक कर लेते हैं प्लेसमेंट्स भी मैंने यहां पर देखे टोटल स्टूडेंट आप देखें यहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा यूजी प्लेसमेंट 2021 दिया गया टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने थे यूजी थ्री इयर्स कोर्स के लिए सिक्सटी सिक्स यूजी फोर ईयर्स के लिए वन थर्टी फोर नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस फोर यूजी से 47. ये रियल डेटा हमेशा देते हैं कोई फेक डेटा नहीं होता बट ये वो बच्चे होंगे जिनका अकेडमिक्स अच्छा रहा होगा या फिर अपने आप में बहुत ही कॉन्फिडेंट रहे होंगे वरना ज़्यादातर बच्चे क्या करते क्या करते हैं अगर वो इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए नहीं है तो, तो या तो इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए जाते हैं और अगर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए नहीं है तो फिर वो फर्दर स्टडीज के लिए चले जाते हैं जब जा वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो जनरली ऐसा होता है ठीक है इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये प्लेसमेंट रिकॉर्ड का कंपैरिजन दिया गया है इसको आप चेक कर सकते हैं मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी आप इधर देखें डेटा देखें पूरा जो कि बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना आप कंपेयर कर सकते हो 2019 में जो पैकेज था वो 1.50 का था देन फिर ये 2020 में बढ़कर के 2.68 तक का गया है 2021 में अगर आप देखें तो यूजी आ, थ्री ईयर्स का 1.44 तक ही गया और यूजी फोर ईयर्स वाले का 2.60 तक गया है तो प्लेसमेंट्स का अगर आप बात करो तो पैकेज उतना अच्छा नहीं मिलता लेकिन बाकी सारी चीजें आपको यहां से अच्छी मिल सकती हैं यानी कि अगर आप फर्दर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हो या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की प्लानिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए अपने आप में एक अच्छी यूनिवर्सिटी साबित हो सकती है क्योंकि रिव्यूज में प्लेसमेंट भले ही अच्छे ना हो इसके लेकिन आपको बाकी जो क्वालिफिकेशन है फैकेलेटीज हैं उनके लिए इनका रिव्यू जो है वो अच्छा मिला है राइट अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड हैं जहां पर आप प्लेसमेंट्स को चेक कर सकते हो एजुकेशन में आप देखो सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स हुए हैं इसके बाद आपका जो दूसरा जाता है वो अदर्स मतलब बाकी फील्ड में जो सिलेक्शन हुए हैं वो ट्वेंटी फाइव परसेंट है फिर थर्ड जो जाता है 15 का वो जाता है रिसर्च के लिए रिसर्च में फिफ्टीन परसेंट आपके यहां पर हुए हैं ठीक है सो so, जो अपने आप में बड़ी बात है बहुत वियर्ड uh, भी नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें कहीं से अकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा मिल जाए या अगर मेरी अकेडमिक uh, डिवेलपमेंट अच्छी हो जाए फैकल्टीज अच्छी हो जाए मुझे सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छे से हो सकती है और जब सब्जेक्ट नॉलेज अच्छे से हो जाती है ना तो आप उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने आप को और उस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो ठीक है अच्छा अगर कोर्सेज और फी के बारे में आप जानना चाहते हैं बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो अगर आपको देखना है तो आप ये मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आप देख लेंगे यहाँ पर मैं आपको कोर्सेज़ और फीस के बारे में यहाँ पे थोड़ा

फिर इसके बाद आप देखें जो सीयू टी की बात कर रही हूँ मैं बी एस सी आप देखें बी एस सी भी है ना इनके पास तो बी एस सी अगर आप देखें तो बारह हजार से बीस हजार से बीस हजार का आपको ये मिल जाता है फॉर थ्री टू फाइव ईयर पचास परसेंट आपको चाहिए सीयू टी में बाकी भी अगर आप कोर्सेज चेक करना चाहें तो यहां पे एल एल बी ठीक है एल एल एम ठीक है उसके बाद एम टेक और पीजी डिप्लोमा एवरीथिंग इज मैंशन ओवर हियर आप जाकर के साइड पर सब चेक कर सकते हैं एवरीथिंग इज मैंशन बट मैं आप लोगों को फिर से बोलना चाहूंगी स्टूडेंट्स की अगर आप इस यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाह रहे हैं तो इस पर आंख बंद करके भरोसा करें इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी एंड दी सोशल हो रहा जिसमें आपका सोशल डेवलपमेंट और आपका जो अकेडमिक डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा सो विद माइड यर स्टूडेंट आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझसे आफ्टर दी इन द कॉमेंट डेफिनेटली आप मेरे से पूछ सकते हो ठीक है बेटा मैम प्लीज छत्रपति शिवाजी महाराज सी एस जी एम ओके आई विल ट्राई आई विल ट्राई कि मैं इसके साथ भी आऊं अभी नेक्स्ट सेशन में आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ असम के ऊपर ही लेने वाली सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट बाय बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल अदर अड्डा की आपको जरूर से जरूर डाउनलोड कर ले इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलती रहेगी और हर चीज में आपको ये मदद करेगा ठीक है ओके बाय एवरी वन टू फिफ्टी मार्क्स है मिल जाएगा बेटा देखो मैं बताऊँ ना ज्यादातर बच्चे डेली यूनिवर्सिटी के लिए भाग रहे हैं बी एच यू के लिए भाग रहे हैं जे एन यू के लिए भाग रहे हैं तो ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके आस पास ही हैं नियर बाय ही हैं और आप इसमें चाहो तो आराम से जा सकते हो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डेली यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लेना चाहा लेकिन उन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इंग्लिश के साथ जो है दो खाली डोमेन दे रखे हुए हैं एक डोमेन दे रखा हुआ है उनका तो वैसे भी एडमिशन नहीं होना डेली यूनिवर्सिटी में तो आप इसके लिए जरूर से जरूर जा सकते हैं आई वुड सजेस्ट यू ओके बिल्कुल बिल्कुल छत्रपति डेफिनेटली आई विल आई विल मेक ओके डोंट वरी बाय एवरी वन टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल